नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ICDS बिहार परियोजनाओं से गृह भ्रमण का दैनिक साप्ताहिक प्रतिवेदन कैसे भरा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, क्योंकि यहां पे सुपरवाइज़र मैडम ने सभी को सूचित कर ही दिया होगा कि आप लोगों को ये दैनिक साप्ताहिक प्रतिवेदन आप लोग को भरना है। तो इसमें आप लोग को हर रोज़ ये काम करना है। तो इसमें आप लोग कैसे सारे फॉर्म को आप लोग सबमिट करेंगे, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी इसमें देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर अपना फॉर्म खोल लेना है। फॉर्म खोल लेने के बाद यहाँ पर आपको बता रहा है कृपया अनावश्यक एवं गलत प्रविष्टि नहीं करें। तो आप लोगों को जो भी इसमें रिकॉर्ड भरना है एकदम सही सही भरना है, और जो स्टार मार्क दिखाई दे रहा है ये कंपलसरी है आपको यहाँ पे जो स्टार मार्क दिखाई दे रहा है आपको वो उसमें सारा चीज़ सही सही भरना है। तो चलिए हम लोग भर के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या भरना है पूछ रहे हैं यहाँ पर, प्रतिवेदन का माह। तो सबसे पहले हम लोग को प्रतिवेदन का माह पे है यहाँ पर चूज करेंगे, चूज पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी मंथ चल रहा है यानी कि अभी मई का महीना चल रहा है मई सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ जाता है प्रतिवेदन की तिथि। तो आप लोग जिस दिन प्रतिवेदन भरेंगे उस दिन का यहाँ पे आप लोग तिथि डाल देंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पर 13 तारीख दिखाई दे रहा है। तो आप लोग यहाँ पर सेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर सेट कर देना है। उसके बाद आता है यहाँ पर तीसरा स्टेप पे जिला का नाम। तो जिला का नाम यहाँ पे आप लोगों को चूज कर लेना है। आप लोग जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को वो ज़िला यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो ज़िला सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर आ जाता है यहाँ पे परियोजना का नाम। तो आप लोग को यहाँ पे परियोजना का नाम लिख देना है। आप लोग जिस परियोजना से आते हैं अपना उस परियोजना का यहाँ पर टाइप करके यहाँ पर आप लोग उसका नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है निरीक्षण करने वाले का नाम। यहाँ पर निरीक्षण करने वाले का नाम लिखना है, यानी कि सेविका और सहायिका दोनों अगर आप लोग निरीक्षण करने जाते हैं तो यहाँ पे सेविका का नाम यहाँ पे दर्ज होगा। यहाँ पे सेविका का जो भी नाम होगा आप लोग यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो नाम लिखने के बाद उसके बाद ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे निरीक्षण करने वाले का पद नाम। तो यहाँ पे सी के नंबर कॉलम में आपको देखने को मिलेगा निरीक्षण करने वाले के पद नाम। तो यहाँ पर चूज का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप लोग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सेविका सहायिका। तो आप लोग को यहाँ पे सेविका सहायिका वाले के ऑप्शन पे आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर देना है, क्योंकि ये फॉर्म सेविका सहायिका के द्वारा ही भरा जा रहा है। तो आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग को 7वां नंबर में पूछ रहा है आंगनबाड़ी केंद्र कोड। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप लोग के पास जो यूनिक कोड मिला है तो आप लोग को वही यूनिक कोड यहाँ पर आप लोग को डालना है। जैसे कि आप लोग को मोबाइल मिला है, मोबाइल के पीछे आप लोग का यूनिक कोड दिया होता है, तो ये नया वाला यूनिक कोड है। और जो आप लोगों को बोर्ड पहले से मिला होगा तो आप लोगों को पुराने वाले यूनिक कोड को भी यहाँ पे डाल के चेक कर लेना है कि वो पुराना वाला यहाँ पे ले रहा है या नया वाला ले रहा है। तो आप लोगों को दोनों में से किसी एक को डाल के चेक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे आपसे 8वां नंबर में पूछ रहा है ECC गतिविधि कैलेंडर के माध्यम से गृह भ्रमण के दौरान कितने घरों के साथ गतिविधि कराई गई। जितने भी घर में गृह भ्रमण के दौरान आप लोग गतिविधि कराई गई हैं उनको यहाँ पे लिख देना है। तो जितने भी घर होंगे यानी कि 4-5 घर में आप लोग गृह भ्रमण किए होंगे तो आप लोग को यहाँ पे जो 4-5 होगा आप लोग को यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए हम लोग 4 घर को यहाँ पे सिलेक्ट करके डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है गृह भ्रमण के दौरान कितने सजग चौपाल का आयोजन किया गया। तो आप लोग जब गृह भ्रमण किए हैं उसके बाद जो सजग चौपाल होता है तो उसमें आप लोग कितने आयोजन किए गए हैं तो आप लोग को यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो आप लोग को यहाँ पे दो या तीन आपको यहाँ पे घर का भ्रमण किए और चौपाल में आप लोगों ने सभी लोगों को कुछ कुछ बातें बताई उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग 4 डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है ICDS के वेबसाइट पर उपलब्ध ECC वीडियो के द्वारा गृह भ्रमण के दौरान कितने घरों में गतिविधि कराई। तो इसमें कितने घरों में जाकर गतिविधि कराई गई उसका यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो आप लोग जितने घरों में ECC वीडियो के माध्यम से गतिविधि करा के वीडियो दिखा के आप लोग गतिविधि कराई हैं उसको यहाँ पर घर को सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है गोद भराई के दौरान कितना गृह भ्रमण किया गया। तो आप लोग सेविका हैं, तो चलिए हम मान के चले हम एक घर में गोद भराई की हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है अन्नप्राशन दिवस के दौरान कितना गृह भ्रमण किया गया। तो अन्नप्राशन दिवस जब आप लोग मनाते हैं उस टाइम में आप लोग कितने गृह भ्रमण किए हैं उसको यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है वृद्धि निगरानी दिवस के दौरान कितना गृह भ्रमण किया गया। जब आप लोग वृद्धि निगरानी के दिन आप लोग जाते हैं घरों में बच्चों का वृद्धि निगरानी करते हैं, वजन करते हैं, उस दिन आप लोगों ने कितने घर जाके गृह भ्रमण किया उसको यहाँ पे आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। 2-3-4 घर, जितने घर में आप लोग 5 घर में गृह भ्रमण करके वृद्धि निगरानी का आप लोगों ने कार्यक्रम किया उसका यहाँ पे आप लोग जो घर का संख्या पूछ रहा है आप लोग यहाँ पे उसको डाल देंगे। डालने के बाद उसके बाद आता है 14 नंबर प्रश्न में इसके अतिरिक्त कुल कितना गृह भ्रमण किया गया। तो आप लोगों ने जितना कार्य किया है उसके अतिरिक्त आप लोगों ने कितने घर गृह भ्रमण किया। तो आप लोग इसके अतिरिक्त अगर गृह भ्रमण किए हैं 2-3 किए हैं तो आप लोग यहाँ पे उसको संख्या डाल देंगे। डाल देने के बाद यहाँ पे आपको 15 नंबर में पूछ रहा है क्या कोविड-19 से संबंधित सुरक्षात्मक निर्देश दिए गए। तो जो अभी कोविड-19 का जो चल रहा है कोरोना वायरस का जो है तो उसके लिए जो सुरक्षात्मक दिशा निर्देश दिए उसके बारे में आप पूछ रहा है, तो यहाँ पे हाँ या नहीं पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे सिंपली हाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत आवेदन लिया गया। तो अगर आप लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के तहत आप लोगों ने आवेदन लिया है तो उसको यहाँ पे चूज पे क्लिक करेंगे। अगर लिया है तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे और नहीं लिया है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। और फिर उसके बाद आ जाता है 17 नंबर में अगर हाँ तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत लिए गए नई आवेदन की संख्या लिखे। तो अगर आप लोगों ने जो कन्या उत्थान योजना के तहत आप लोगों ने आवेदन लिया है तो आप लोगों ने कितना आवेदन लिया है उसको यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पे 1-2 जितना आवेदन आप लोगों ने लिया है तो यहाँ पे उसको संख्या यहाँ पे डाल देना है। डाल देने के बाद फिर पूछ रहा है क्या प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत आवेदन लिया गया। तो जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना है उसके तहत आप लोगों ने अगर आवेदन लिया है तो यहाँ पे उसको चूज कर लेना है। यहाँ पे अगर लिया है तो हाँ पे क्लिक करेंगे और नहीं लिया है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद अगर हाँ तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत लिए गए नए आवेदन की संख्या लिखे। तो आप लोगों ने अगर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का आवेदन लिया है तो आप लोगों को यहाँ पे संख्या डाल देना है। तो अगर आप लोगों ने 1 आवेदन लिया है या 2 आवेदन लिया है तो आप लोगों को यहाँ पे संख्या डाल देना है। डाल देने के बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अभियुक्ति कि रोज साबुन से हाथ धोना है, मास्क सैनिटाइजर लगाना है और जो सरकार का आदेश है 2 गज दूरी मास्क है जरूरी उसको यहाँ पे लोगों को समझाना है और वही बात यहाँ पे आप लोग को हिंदी में लिख देना है। और उसके बाद आप लोग को एक बार चेक कर लेना है कि जो भी मैंने फॉर्म भरा है फॉर्म भरने के बाद कुछ उसमें गलती तो नहीं है। उसके बाद आप लोग सारा डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिया होता है आप लोग को यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड का आप लोग को ऑप्शन आ जाएगा। तो यानी कि आप लोग जो भी रिकॉर्ड भरे हैं उसका यहाँ पे आपका रिकॉर्ड सफलतापूर्वक रिकॉर्ड हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप लोग अपना गृह भ्रमण का दैनिक साप्ताहिक प्रतिवेदन आप लोग इसी प्रकार से भर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। गृह भ्रमण का दैनिक प्रतिवेदन से रिलेटेड आप लोग का मन में कोई भी कमेंट या सुझाव है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।